मेरा नाम जैनब, प्रीवियस नेम रितु खंडेलवाल, पुत्री गणेश खंडेलवाल। मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ। मेरे माता पिता ने जो गुलजार पे इल्जाम लगाए हैं वो सब झूठे हैं, और उन्होंने जो भी बयान दिए हैं वो भी झूठे हैं। मैं आप सबको मेरा मैरिज एग्रीमेंट दिखाती हूँ। ये मेरा मैरिज एग्रीमेंट है, इसमें मेरे खुद के सिग्नेचर है, ये मेरे फिंगरप्रिंट है। मेरे घर वाले बोलते हैं कि सिग्नेचर फेक है, लेकिन फिंगरप्रिंट फेक नहीं हो सकता है। ये मेरे खुद के फिंगरप्रिंट है, चाहे तो आप देख लें, ये मेरे फिंगरप्रिंट है। मैंने खुद ने यहाँ आके निकाह किया है, पहले भी मैं खुद आई थी, अब भी मैं खुद आई हूँ। ये मेरा स्टेटमेंट है, ये मेरा मैरिज एग्रीमेंट है, और ये हाई कोर्ट के ऑर्डर है जो कि मेरे घर वाले कहते हैं फेक है, ये फेक नहीं है। ये सारे सिग्नेचर मेरे हैं और कोर्ट के ऑर्डर कभी झूठे नहीं होते हैं। ये मेरा कल का स्टेटमेंट है जो मैं यहाँ पुलिस वालों को दे चुकी हूँ, और हमने वहाँ भी स्टेटमेंट भिजवा दिया है। इसमें मैंने अपना बयान दिया है, जो भी है सब मैंने खुद बोला है और उन्होंने लिखा है। ये सारा मेरा स्टेटमेंट है। मेरे घर वालों ने जो भी वहाँ पे एप्लीकेशन दी थी कि गुलजार मेरे साथ छेड़छाड़ करता था, ये करता था, वो सब झूठ है। ना उसने कभी मेरा रास्ता रोका, ना उसने मुझे कभी छेड़ा। वो मुझे यहाँ नहीं लेके आया, मैं खुद उसके साथ यहाँ आई हूँ। और अगर वो मुझे लेके आता, ये मेरा बोर्डिंग कार्ड है, मैंने खुद बोर्डिंग करवाई, फ्लाइट की टिकट खुद करवाई, मैं खुद से आई हूँ। मेरी फ्लाइट थी अहमदाबाद से दिल्ली की, उसके बाद दिल्ली से श्रीनगर की फ्लाइट थी। ये मेरी अकेले की टिकट है, इसमें मेरा नाम अकेले दिया है, मेरे साथ कोई नहीं था, मैं अकेली आई थी। ये आप लोग देख सकते हैं मेरी फ्लाइट की टिकट। उसके अलावा ये मेरा निकाहनामा है जो कि मैंने श्रीनगर में हाई कोर्ट में आके निकाह किया था। ये मेरा निकाहनामा है, सब कुछ सच है, इसमें कुछ भी फेक नहीं है। ये मेरे घर वाले कहते हैं कि मैं 18 प्लस नहीं हूँ। ये मेरी 10th की मार्कशीट है, इसमें मेरी डेट ऑफ बर्थ दे रखी है, आप लोग देख सकते हैं। और ये मेरी रियल ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है, ये मेरी रियल ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है, ये भी आप देख लो। इसमें साफ साफ लिखा है कि अभी मैं 19 रनिंग हूँ। मेरे घर वाले बोलते हैं मैं 18 प्लस भी नहीं हूँ, ये भी झूठे। ये सब देख लो आप, मेरी फ्लाइट की टिकट है, सब कुछ मैंने खुद से किया है। उसने मेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की है। चाहे तो आप कुछ भी कर ले, सीसीटीवी फुटेज दिखवा ले आप एयरपोर्ट पे, वहां मैं अकेली हूँ, मुझे कोई जोर जबरदस्ती खींच के नहीं लाया है। और एसपी साहब से मेरा निवेदन है कि मेरे घर वाले जो झूठा झूठा इल्जाम लगा रहे हैं और जो कह रहे हैं, वो मुझे बहुत तंग कर रहे हैं। मैं 18 साल से ऊपर हूँ, मुझे अपनी जिंदगी जीने का हक है, मैं खुद के लाइफ के फैसले खुद कर सकती हूँ। और मैं अपने पति गुलजार के साथ बहुत खुश हूँ अपने घर में, मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है उसके सिवाय। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे माता पिता जो बोल रहे हैं वो सब झूठे हैं, उन इल्जामों को फेक मानो।